गाइस सबसे पहले आपको अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से क्लिक करवा लेना है। उसके बाद हम लोग ये फोटो को कुछ इस तरीके से एडिट करेंगे। बहुत ही आसान स्टेप होने वाले, वीडियो को आखिर तक देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको ये फोटो पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे, जाएंगे ऐड फोटो में और यहाँ से हम लोग अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। एंड गाइस मैंने अपनी फोटो को पहले ही क्रॉप कर रखा था। अगर आपको नहीं पता कि फोटो को क्रॉप कैसे किया जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कि आप अपनी फोटो कैसे एक मिनट के अंदर क्रॉप कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने, एक बार जाके ज़रूर देखे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लोग इसकी साइज को पहले एडजस्ट कर लेंगे। ओके तो गाइस हम लोग ने अपनी फोटो को एडजस्ट कर लिया, यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद गाइस हम लोग जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम लोग वापस अपनी फोटो को ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। सेम फोटो को जैसे ये पहले ऐड किया था, याली फोटो को वापस ऐड कर लेंगे। एंड गाइस इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग को इसको ऐसा उल्टा कर देना है, यहाँ से पकड़ के ऐसा उल्टा कर देना है। एंड गाइस इसको ऐसे कांच के अंदर ले जाके बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको अपनी ओपेसिटी को कम कर लेना है, 60 रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से कर लेते हैं डन। उसके बाद गाइस जाना है आपको वापस से ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद आपको फिर से अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। हम लोग तीसरी बार अपनी फोटो को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग साइज़ को सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब इतना, ठीक है। उसके बाद जाएंगे गाइस इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद हम लोग जाएंगे कलर में। कलर में जाने के बाद हम लोग जाएंगे कॉन्ट्रेस्ट पे। कॉन्ट्रेस्ट पे जाने के बाद हम लोग कॉन्ट्रेस्ट को कर देंगे 0, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे डन। उसके बाद गाइस इसको हम लोग शेडो पे लाके छोड़ देंगे, ऐसा इसको घुमा के उल्टा। एंड इसको हम लोग को शेडो बनाने का है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से अपनी ओपेसिटी को कम कर लेंगे, जाएंगे इरेज में। इरेज में जाने के बाद ये फालतू हिस्सा हम लोग इरेज कर लेंगे। एंड गाइस इरेज करने के बाद आपको वापस से ओपेसिटी को और कम कर देना है बिल्कुल इतना रखते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद गाइस वापस जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग ये वाली फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया गाइस। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर लेंगे कम। यहाँ से जाएंगे इरेजर पे एंड ये जो फालतू हिस्सा है इसको इरेज कर लेंगे। यहाँ से कर लेंगे गाइस डन। डन करने के बाद ओपेसिटी को हम लोग बढ़ा देंगे, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से कर लेंगे डन। उसके बाद गाइस वापस जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद ये इंस्टाग्राम वाली फोटो को हम लोग ले लेंगे। गाइस अगर आपको नहीं पता कि 3D इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट कैसे बनाया जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो कि आप अपने इंस्टाग्राम का फोटो कैसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये मेरे इंस्टाग्राम का फोटो है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वाला भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप अगर खुद का बनाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया गाइस। यहाँ से कर लेंगे डन। डन करने के बाद गाइस जाएंगे यहाँ से टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप लोग को ये ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्रेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे वाला जो हिस्सा है, एंड गाइस थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। उसके बाद गाइस जाएंगे साइज़ पे। साइज़ पे जाने के बाद हम लोग साइज़ को कर लेंगे एकदम 0, ठीक है। एंड यहाँ से जाएंगे डायरेक्शन से। डायरेक्शन पे जाने के बाद हम लोग अपने हिसाब से डायरेक्शन इसकी सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद जाएंगे स्ट्रेच पे। स्ट्रेच पे जाने के बाद हम लोग अपने हिसाब से इसका स्ट्रेच बढ़ाएंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। 80 पे रखते हैं। यहाँ से कर लेते हैं गाइस डन। डन करने के बाद गाइस वापस जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद ये दो फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से साइज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लेंड पे जाने के बाद इसको कर लेंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको बादलों के बीच में लगा देना है हम लोग को कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। उसके बाद ये वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जाना है ब्लेंड पे। ब्लेंड पे जाने के बाद यहाँ से कर लेना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से,
ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ से कर लेना है डन। डन करने के बाद गाइस वापस जाएंगे हम लोग ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग ये वाली पीएनजी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हाउ टू डाउनलोड योर स्मार्ट मेकर पीएनजी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे सेट कर देंगे एंड यहाँ से कर लेंगे डन। डन करने के बाद गाइस हम लोग जाएंगे ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे जो शूज़ है उस पर थोड़ा हरी हरी घास रह गई, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग जाएंगे पेंसिल में एंड यहाँ से जाएंगे गाइस कलर में। कलर में जाने के बाद यहाँ से हम लोग एक चूज़ का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम लोग शूज़ के कलर को चूज़ कर लेंगे। थोड़ा इसकी साइज़ कम कर देते हैं एंड हार्डनेस को भी कम कर देते हैं। ओके तो गाइस अब आप लोग देख सकते हो हमारा जो शूज़ है वो थोड़ा सही दिख रहा है पहले से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फोटो को कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद हम लोग अपने फोटो को कलर रिटच करेंगे, जो हमारा जो बैकग्राउंड और जो हमारा मॉडल है वो मैच नहीं कर रहा, तो मैच करने के लिए हम लोग कलर रिटच करेंगे लाइट रूम में, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे लाइट रूम में। ओके तो गाइस हमने अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लिया है। गाइस अगर आपको ये लाइट रूम प्रो डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप ये लाइट रूम प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ये सारा ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो प्रो वर्जन डाउनलोड करना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर ज़रूर देखें। तो गाइस सबसे पहले आ जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर, यहाँ से जाएंगे मिक्स पे। मिक्स पे जाने के बाद जाएंगे रेड वाले कलर पर एंड इसका एच यू वी को कम कर देंगे एंड यहाँ से कर लेंगे डन। अब गाइस आप लोग देख सकते हो शर्ट का कलर और जो बैकग्राउंड का कलर है थोड़ा थोड़ा मैच करने लगा है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ से टेम्परेचर को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 4 पे रखते हैं, ज़्यादा नहीं। एंड गाइस उसके बाद आ जाएंगे थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम लोग क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को 30 भी कर देते हैं एंड डीएस को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आपको ये विग्नेट को भी कम कर देना है, ज़्यादा नहीं 30 पे रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से मिड पॉइंट को हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर देते हैं मिड पॉइंट को, ज़्यादा नहीं। एंड फेदर को 100 कर देंगे, राउंडनेस को भी 100। एंड यहाँ से आ जाएंगे फोर्थ वाले ऑप्शन पे, नॉइस रिडक्शन को हम लोग 30 पे कर देंगे एंड कलर नॉइस रिडक्शन को भी हम लोग 30 पे कर देंगे। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हो पहले जो हमारी फोटो कुछ इस तरीके से थी एंड रिटच होने के बाद हमारी फोटो कुछ इस तरीके से हो गई है। गाइस हमारी जो फोटो फाइनल एडिट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एंड गाइस जो भी बैकग्राउंड पीएनजी मैंने यूज़ किया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जाएंगे थर्ड वाला ऑप्शन पे एंड यहाँ से जाएंगे सेव टू डिवाइस एंड ओके, हमारी जो फोटो फाइनल एडिट हो चुकी है। एंड गाइस अगर आपको बैकग्राउंड या पीएनजी डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू डाउनलोड योर स्मार्ट मेकर पीएनजी एंड बैकग्राउंड, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है।